सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। ऐश ने अपने जर्नी में 12 ऐसे पोकेमोन पकड़े हैं जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं, और आज हम उन्हीं सारे 12 पोकेमोन के बारे में फैक्ट देखने वाले हैं। सारे फैक्ट्स काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग होंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर से देखना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1, स्टार्ट करते हैं ऐश के बीड्रिल के साथ। बीड्रिल ऐश की एक टेम्पररी पोकेमोन थी। क्या आपको पता है, बीड्रिल ऐश की एक लौती ऐसी पोकेमोन है जिसको उसने परमानेंटली किसी और ट्रेनर को दे दिया था। बात रही प्राइम एप की, तो प्राइम एप को ऐश ने टेम्पररी टाइम के लिए एंथनी को दिया था ट्रेनिंग करने के लिए। फैक्ट नंबर 2, पिजियॉट जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा पिजियॉट में। क्या आपको पता है, ऐश का एक काफी पावरफुल पोकेमोन होने के बाद भी ऐश के पिजियॉट ने कभी भी ऐश के ओनरशिप में कोई जिम बैटल नहीं जीती थी। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है, उन सारे ऐश के रिलीज पोकेमोन में पिजियॉट लास्ट पोकेमोन था जो कि ऐश के साथ मिला था, क्योंकि ऐश के लास्ट एपिसोड यानी कि पोकेमोन एम2बी पोकेमोन मास्टर के एपिसोड 11 में अपियर होता है और ऐश से मिलता है। इसके अलावा ये एक लौता ऐसा ऐश का रिलीज पोकेमोन है जिसने परमानेंटली ऐश की टीम दोबारा ज्वाइन कर ली थी, यानी कि पिजियॉट अभी विरिडियन फॉरेस्ट में नहीं रहता बल्कि वो ऐश के पास आ गया है। फैक्ट नंबर 4, लार्विटार ये भी ऐश का एक टेम्पररी पोकेमोन है जो कि फुली इवॉल्व होकर टायरिनिटार बनता है। ये मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा टायरिनिटार में। वेल, लार्विटार ऐश का एक लौता ऐसा पोकेमोन है जो कि कभी भी पोकेबॉल के अंदर नहीं गया है। फैक्ट नंबर 5, चार्जार्ड ऐश का कैंटो का एस पोकेमोन है। ये मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा चार्जार्ड एक्स या फिर वाई में। क्या आपको पता है, चार्जार्ड पूरे पोकेमोन एनीमे का सबसे पहला पोकेमोन था जिसने किसी लेजेंडरी पोकेमोन को हराया हो, क्योंकि द सिंबल लाइफ नाम के एपिसोड में चार्जार्ड ने ब्रैटल फ्रंटियर मेंबर नोलैंड के आर्टिकुनो को डिफीट कर दिया था जो कि एक लेजेंडरी पोकेमोन है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है, ऐश के सारे मेगा इवॉल्व होने वाले पोकेमोन में चार्जार्ड ने सबसे ज्यादा अटैक्स का यूज किया है जो कि टोटल 17 है। इसमें काफी सारे ऑसम अटैक्स भी आते हैं जैसे कि फ्लेम थ्रोअर, सबमिशन, साइज्मिक टॉस, ड्रैगन रेस, ड्रैगन ब्रेथ और ओवरहीट। फैक्ट नंबर 7, ऐश का बल्बसौर ये फुली इवॉल्व होकर विनोसौर बनता है जो कि आगे जाके मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा विनोसौर में। क्या आपको पता है, पोकेमोन एपिसोड आइलैंड ऑफ द जायंट पोकेमोन में ये कंफर्म किया गया था कि बल्बसौर एक ऑर्फन है, उसके कोई भी मॉम या फिर डैड नहीं है, साथ में बल्बसौर के कोई रिलेटिव भी नहीं है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है, ऐश के पिकाचू के बाद बल्बसौर सबसे ज्यादा अपियर होने वाला पोकेमोन है पोकेमोन एनीमे में। यह अभी तक हर एक रीजन में अपियर हो चुका है सिर्फ और सिर्फ एक रीजन को छोड़कर जो कि है कैलोस रीजन। फैक्ट नंबर 9, स्क्वार्टल फुली इवॉल्व होकर ब्लास्टोइस बनता है जो कि आगे जाके मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा ब्लास्टोइस में। स्क्वार्टल ऐश का एक काफी ज्यादा यूनिक पोकेमोन है क्योंकि एक लौत ऐसा पोकेमोन है जिसने कैच होने के बाद अपने सबसे पहला अटैक मूवी में यूज किया था। यह अटैक था बबल बीम जिसको स्क्वार्टल यूज करता है पोकेमोन मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में। स्क्वार्टल के अलावा कोई भी ऐसा पोकेमोन नहीं है जिसने अपना सबसे पहला अटैक किसी मूवी के अंदर यूज किया हो। फैक्ट नंबर 10, ऐश का हेराक्रॉस एक बग और फाइटिंग टाइप पोकेमोन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा हेराक्रॉस में। हेराक्रॉस बग टाइप का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होने के लिए टाई करता है क्योंकि मेगा इवॉल्व होने के बाद इसके बेस स्टैट 600 हो जाते हैं जो कि मेगा सीजर और जेनेसेक्ट के बराबर है, जिससे ये तीनों पोकेमोन सबसे ज्यादा बेस स्टैट रखने वाले बग टाइप पोकेमोन बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, ऐश के ज्यादातर पोकेमोन जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं वो या तो 2 स्टेज के हैं या फिर 3 स्टेज के हैं। सबके पास एवोल्यूशन लाइन है बट ऐश का हेराक्रॉस ऐश का एक लौता ऐसा मेगा इवॉल्व होने वाला पोकेमोन है जो कि इवॉल्व नहीं हो सकता। ये एक सिंगल स्टेज पोकेमोन है, इसके पास कोई भी एवोल्यूशन या फिर प्री एवोल्यूशन नहीं है। फैक्ट नंबर 12, गिबल एक ड्रैगन और ग्राउंड टाइप पोकेमोन है जो कि इवॉल्व होता है गारशॉम में। आगे जाके मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा गारशॉम में। मेगा गारशॉम मेगा टायरिनिटार के साथ टाई करता है ऐश के सबसे ज्यादा बेस स्टैट रखने वाले पोकेमोन होने के लिए, क्योंकि इन दोनों के बेस स्टैट 700 है जो कि रेकवाजा और म्यूटू जैसे पोकेमोन से भी ज्यादा है। इसके अलावा गिबल ऐश का एक लौता ऐसा ड्रैगन टाइप पोकेमोन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है, गिबल ऐश का एक लौता ऐसा नॉन टेम्पररी मेगा इवॉल्व होने वाला पोकेमोन है जिसको ऐश ने किसी भी जिम बैटल के अंदर यूज नहीं किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐश ने गिबल को सिनो के लास्ट में पकड़ा था जब उसकी सारी जिम बैटल हो चुकी थी। लीग खत्म होने के बाद ऐश गिबल को प्रोफेसरों के लैब में छोड़ देता है। फैक्ट नंबर 14, ग्लेली ऐश का एक प्योर आइस टाइप पोकेमोन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा ग्लेली में। क्या आपको पता है, ग्लेली ऐश का एक लौता नॉन टेम्पररी आइस टाइप का पोकेमोन है क्योंकि ऐश ने लैप्रेस को रिलीज कर दिया था। इसके अलावा ये एक लौता ऐसा ऐश का आइस टाइप पोकेमोन है जो कि मेगा इवॉल्व भी हो सकता है।
फैक्ट नंबर 15, सेप्टाइल। सेप्टाइल एक प्योर ग्रास टाइप का पोकेमोन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा सेप्टाइल में। क्या आपको पता है सेप्टाइल ऐश का एक लौता ऐसा मेगा इवॉल्व होने वाला पोकेमोन है जो कि मेगा इवॉल्व होने के बाद सिंगल टाइपिंग से डुअल टाइप पोकेमोन बन जाता है, क्योंकि बेस फॉर्म में सेप्टाइल एक प्योर ग्रास टाइप पोकेमोन है जो कि सिंगल टाइपिंग है, बट मेगा इवॉल्व होने के बाद वो ड्रैगन और ग्रास टाइप पोकेमोन बन जाता है जो कि डुअल टाइप पोकेमोन है। इसके अलावा ऐश के सारे पोकेमोन में सेप्टाइल ऐश का सबसे पहला और एक लौता पोकेमोन है जिसने किसी मिथिकल पोकेमोन को हराया हो, क्योंकि इसने सिनो लीग में ऐश वर्सेस टोबियास बैटल में मिथिकल पोकेमोन डार्करॉय को डिफीट कर दिया था। फैक्ट नंबर 16, ऐश ने अपने जर्नी में काफी सारे ग्रास टाइप पोकेमोन्स को पकड़ा है, बट सेप्टाइल ऐश का सबसे पहला ऐसा ग्रास टाइप पोकेमोन था जो कि फुली इवॉल्व हो गया था। साथ में ये ऐश का सबसे पहला फुली इवॉल्व होने वाला ग्रास टाइप स्टार्टर था, इससे पहले कोई भी ग्रास टाइप पोकेमोन ऐश का फुली इवॉल्व नहीं हुआ था। फैक्ट नंबर 17, ऐश का लुकारियो। लुकारियो एक स्टील और फाइटिंग टाइप पोकेमोन है जेन 4 सिनो से, बट ऐश ने उनको कभी भी मेगा इवॉल्व नहीं किया, पर लुकारियो ऐश का सबसे पहला और एक लौता ऐसा पोकेमोन है जिसको ऐश ने ऑफिशियली मेगा इवॉल्व किया है, जिसके बाद इसने काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स को डिफीट किया है, जैसे कि सिंथिया का गार्चॉम, बी का जिगेंटमैक्स मचैम्प और रेहान का जिगेंटमैक्स ड्यूएलोडॉन। ऐश के ग्रेनिजा की तरह ये भी एक स्पेशल अटैक सीख सकता है जो कि है जायंट ऑरा स्फीयर। फैक्ट नंबर 18, स्टील एक काफी रेयर टाइपिंग है। ऐश ने अपने जर्नी में अभी तक सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टील टाइप पोकेमोन पकड़े हैं, पहला है लुकारियो और सेकंड है मेलमेटल, जिससे लुकारियो ऐश का एक लौता स्टील टाइप पोकेमोन बन जाता है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है। फैक्ट नंबर 19, ऐश का गेंगार। गेंगार एक घोस्ट और पॉइजन टाइप पोकेमोन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा गेंगार में। गेंगार ऐश का एक काफी यूनिक पोकेमोन है, ये ऐश का एक लौता घोस्ट टाइप पोकेमोन है और ऐश का एक लौता ऐसा घोस्ट टाइप पोकेमोन भी है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है। गेंगार का कलर भी काफी यूनिक है, क्योंकि नॉर्मल गेंगार डार्क पर्पल होता है, शाइनी गेंगार ग्रे कलर का होता है, बट ऐश का गेंगार पर्पल कलर का है। गेंगार ऐश का एक लौता ऐसा पोकेमोन भी है जो कि डायनामैक्स और जिगेंटमैक्स दोनों हुआ है, जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि गेंगार कितना ज्यादा यूनिक पोकेमोन है ऐश का। और फाइनली फैक्ट नंबर 20, अभी तक हमने ऐश के काफी सारे मेगा इवॉल्व पोकेमोन देख लिए हैं, पर क्या आपको पता है इन सारे 12 मेगा इवॉल्व पोकेमोन में ऐश का गेंगार ऐश का एक लौता ऐसा पोकेमोन है जिसके पास कोई यूनिक टाइपिंग है, क्योंकि गेंगार की टाइपिंग है घोस्ट और पॉइजन टाइप। ये टाइपिंग गेंगार के अलावा कोई और पोकेमोन नहीं रखता है। इसके अलावा गेंगार कैंटो स्टार्टर्स को छोड़कर एक लौता ऐसा पोकेमोन है जिसको मेगा फॉर्म और जिगेंटमैक्स फॉर्म दोनों मिले थे। गेंगार ऐश का सबसे पहला ऐसा पोकेमोन भी था जिसने कोई घोस्ट टाइप या फिर फेरी टाइप अटैक का यूज किया हो पोकेमोन एनिमे में। और लास्टली ऐश का एक लौता ऐसा नॉन स्टार्टर पोकेमोन है जो कि ऐश से पहले किसी और ट्रेनर के पास था। वेल तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।